मेरठ थाना मंडली क्षेत्र के ग्राम अजवाड़ा की रहने वाली एक महिला ने वर्तमान ग्राम प्रधान के भाई पर बलात्कार कर वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, महिला को ग्राम प्रधान के भाई ने पुलिस से शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी है। बृहस्पतिवार को महिला अपने पुत्र के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान से मिलने पहुंची और आरोपी परवेज पुत्र रफाकत पर कार्यवाही की मांग करते हुए शिकायती पत्र दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि वर्तमान ग्राम प्रधान वाहिद के भाई परवेज ने महिला से पूछताछ की, आपका काम हो गया या नहीं। पीड़ित महिला ने कहा कि नहीं। आरोपी महिला से कहने लगा कि मैं आपके घर के पास हूँ, आपके कागज देख लेता हूँ। तभी आरोपी प्रवेश घर में घुस गया और महिला के साथ तमंचे के बल पर दुराचार करते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। मैं प्रधान के घर गई थी लेटर पैड लिखवाने के लिए। वहाँ उसके भाई ने प्रधान के ने परवेज ने मेरे साथ बदतमीजी करी। मैं वहाँ से लेटर पैड लेकर आई थी। चार दिन के बाद उसने मुझे कॉल करी, क्या आपके काम का क्या हुआ। मैंने कहा भी नहीं हुआ, उसमें कमी रह गई ना, मैं आपके घर के पास हूँ। मैं कहने लगी ठीक है आ जाओ, मैं कागज़ दिखा दूँगी। वो घर आ गया, मैं कागज़ लेने अंदर गई कमरे में तो वो मेरे पीछे पीछे चला गया और मुझे जाकर पीछे से लिपट गया। उसने कान पर मेरे पिस्तौल रखी, उसने कहा अगर तन आवाज़ करी या रोल मचाई तो मैं गोली मार दूँगा। उसने मेरा मुँह खींच लिया, मेरे साथ गलत काम करा उसने मेरी वीडियो बना ली। अगर तने किसी से कहा या तो तूने आवाज़ उठाई तो मैं उसे वायरल कर दूंगा। मैं उसके घर पर दोबारा गई। थाने में शिकायत करी थी आपने इसको? जी शिकायत करी थी। मैं चार घंटे मुंडाली थाने में बैठ कर आई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ कि मेरी यहाँ की पुलिस कोई हेल्प करे। अधिकारी से मिलो, अधिकारी ने क्या कहा? अधिकारी से मिले हैं, उन्होंने कहा ऐसा समझो मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।